करीब करीब 115 दिन लोगों की हक की आवाज़, लोगों के सवाल जो सरकार से वो पूछना चाहते हैं वो नहीं पूछ पाया, उनके अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, 115 दिन के निलंबन के बाद आज मेरा निलंबन समाप्त हुआ, मेरे सस्पेंशन को रिवोक किया गया। जब मैं सदन के भीतर आया और एक महत्वपूर्ण बिल हाउस में लाया गया, उस पर भी आज मैंने जनता की ओर से बात रखी, मजबूती से सरकार से सवाल करें। जी हाँ, 115 दिन के निलंबन के बाद आज मेरा निलंबन समाप्त हुआ, मेरे सस्पेंशन को रिवोक किया गया और मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही साथ ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अंततः मेरा निलंबन समाप्त हुआ और करीब करीब 115 दिन मैं सदन के बाहर रहा, लोगों की हक की आवाज़, लोगों के सवाल जो सरकार से वो पूछना चाहते हैं वो नहीं पूछ पाया, उनके अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अंततः सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद राज्यसभा में मेरा निलंबन समाप्त हुआ और न्याय हुआ मेरे साथ। और मैं बस दुआ यही करता हूँ कि जितना प्यार, जितना सम्मान, आशीर्वाद, दुआएं लोगों ने पिछले 115 दिन में दी हैं, ऐसे ही अपने दुआएं और साथ बनाए रखें तो हम सारे उतार चढ़ाव का जो हमारा समय है उसे हंसते खेलते काट देंगे और डट के लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। आज 115 दिन बाद जब मैं सदन के भीतर आया और एक महत्वपूर्ण बिल हाउस में लाया गया, उस पर भी आज मैंने जनता की ओर से, अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी की ओर से बात रखी, मजबूती से सरकार से सवाल करें और ऐसे ही हम सरकार से लगातार सवाल करते रहेंगे। और एक विपक्ष में जो सांसद होते हैं उनका यही रोल होता है और इसी प्रकार से आगे भी जनता की सेवा में लगे रहेंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा जनता को हाथ जोड़ के कि आपका बेटा फिर से सदन के भीतर आ गया आपके हकों की, अधिकारों की लड़ाई लड़ने। तो फिर आप अपना जो मांग है, जनता की मांग है, उसको उठाते रहेंगे या फिर आपकी? बिल्कुल बिल्कुल उठाते रहेंगे और आज ही मैंने सवाल, कई ठोस सवाल सरकार से पूछे हैं। प्राइवेसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिल और लेजिस्लेशन लाने का प्रयास सरकार कर रही थी उस विषय में। और 115 दिन तक जब मैं सस्पेंडेड रहा तो लोगों की बड़ी दुआएं और प्यार मिला, लोगों ने फोन कर करके, मैसेज डालकर, ईमेल डालकर, मुझसे मिलकर मुझे हौसला भी दिया, मेरी हौसला अफजाई भी करी और कहा कि डटे रहो, लड़ते रहो, अंततः न्याय होगा। और न्याय हुआ और मेरी 115 दिन के उपरांत सस्पेंशन समाप्त हुई है। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबसे ज्यादा अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। 115 दिन के निलंबन के बाद आज मेरा निलंबन समाप्त हुआ, मेरे सस्पेंशन को रिवोक किया गया और मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही साथ ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अंततः मेरा निलंबन समाप्त हुआ और करीब करीब 115 दिन मैं सदन के बाहर रहा, लोगों की हक की आवाज़, लोगों के सवाल जो सरकार से वो पूछना चाहते हैं वो नहीं पूछ पाया, उनके अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अंततः सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद राज्यसभा में मेरा निलंबन समाप्त हुआ और न्याय हुआ मेरे साथ। और मैं बस दुआ यही करता हूँ कि जितना प्यार, जितना सम्मान, आशीर्वाद, दुआएं लोगों ने पिछले 115 दिन में दी हैं, ऐसे ही अपने दुआएं और साथ बनाए रखें तो हम सारे उतार चढ़ाव का जो हमारा समय है उसे हंसते खेलते काट देंगे और डट के लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। आज 115 दिन बाद जब मैं सदन के भीतर आया और एक महत्वपूर्ण बिल हाउस में लाया गया, उस पर भी आज मैंने जनता की ओर से, अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी की ओर से बात रखी, मजबूती से सरकार से सवाल करें और ऐसे ही हम सरकार से लगातार सवाल करते रहेंगे। और एक विपक्ष में जो सांसद होते हैं उनका यही रोल होता है और इसी प्रकार से आगे भी जनता की सेवा में लगे रहेंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा जनता को हाथ जोड़ के कि आपका बेटा फिर से सदन के भीतर आ गया आपके हकों की, अधिकारों की लड़ाई लड़ने। तो फिर आप अपना जो मांग है, जनता की मांग है, उसको उठाते रहेंगे या फिर आपकी? बिल्कुल बिल्कुल उठाते रहेंगे और आज ही मैंने सवाल, कई ठोस सवाल सरकार से पूछे हैं। प्राइवेसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिल और लेजिस्लेशन लाने का प्रयास सरकार कर रही थी उस विषय में। और 115 दिन तक जब मैं सस्पेंडेड रहा तो लोगों की बड़ी दुआएं और प्यार मिला,
लोगों ने फोन कर करके, मैसेज डालकर, ईमेल डालकर, मुझसे मिलकर मुझे हौसला भी दिया, मेरी हौसला अफजाई भी करी और कहा कि डटे रहो, लड़ते रहो, अंततः न्याय होगा। और न्याय हुआ और मेरी 115 दिन के उपरांत सस्पेंशन समाप्त हुई है। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबसे ज्यादा अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे।